इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा नौवीं की गणित का अध्याय एक, जिसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का परिचय देखेंगे। इससे होगा यह कि संबंधित एक्सरसाइज में आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं संख्या पद्धति का परिचय। जिस प्रकार हिंदी भाषा के अ आ तथा क ख ग इत्यादि अक्षरों को निरूपित करने के लिए वर्णमाला है तथा ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए अलग अलग संकेत हैं, अंकगणित में संख्याओं को लिखने के लिए संकेतों के एक विशेष समूह की आवश्यकता होती है और यह समूह पूर्णतः वैज्ञानिक एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होनी चाहिए। सौभाग्य से इस संकेत समूह का आविष्कार हमारे देश में हुआ। इन संख्याओं को निरूपित करने के लिए 10 संकेत होते हैं। ये 10 संकेत क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 हैं, जिन्हें अंक कहते हैं। इस संकेत द्वारा प्रयुक्त पद्धति दशमी प्रणाली कहलाता है। इन आंकिक संकेतों के 2 मान होते हैं, शुद्ध मान फेस वैल्यू, दूसरा स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, जातीय मान अंकित मान और नैज मान। शुद्ध मान स्थिर रहता है और स्थानीय मान संख्या प्रणाली के आधार पर निर्भर करता है। जैसे देखेंगे 536 को अगर हम अलग अलग करें तो ये 5, 3 और 6 कहलाएंगे, ना कि 536 कहलाएंगे। प्रकृत संख्या नेचुरल नंबर्स, जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जिसे n द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से करते हुए हम अनंत तक चले जाएंगे। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी संख्या का बात करें संभव नहीं है। पूर्ण संख्या होल नंबर्स, प्राकृत संख्या में संख्या के 0 को शामिल करने से प्राप्त समूह पूर्ण संख्या कहलाता है, जिसे w द्वारा सूचित किया जाता है। इसको स्टार्ट हम 0 से करते हैं। नोट पर देखेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है और इसका भी प्राकृत संख्या के जैसे ही इसका भी कोई सबसे बड़ी संख्या निकालना संभव नहीं है। प्रत्येक संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या से एक अंक बड़ा होता है। जैसे मान लें 5 का पूर्ववर्ती संख्या 4 है, 5 जो है अपने पूर्ववर्ती संख्या 4 से एक अंक बड़ा है। सम संख्या इवेंट्स नंबर्स, वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाता है। 2 के सीक्वेंस में जो भी संख्या आएंगी अनंत तक चली जाएंगी, वे सभी की सभी संख्याएं सम संख्याएं होंगी, इवेंट्स नंबर्स। कोई भी बड़ी से बड़ी सम संख्या ले लें, उसकी इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 ही आते हैं। सम संख्या का प्रारूप 2n होता है। n कोई प्राकृत संख्या है। एग्जाम्पल के लिए देख लें, n के जगह पर यदि 1 रखते हैं और इसके फॉर्म में हम शिफ्ट करते हैं तो इसका आंसर 2 आता है। इसी तरह n के जगह पर यदि हम 2 रखते हैं तो इसका आंसर 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 6 आएगा, 4 रखेंगे तो 8 आएगा। अब देखते हैं विषम संख्या ओड नंबर्स, वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहा जाता है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याओं की इकाई के स्थान पर हमेशा 1, 3, 5, 7 और 9 आते हैं। विषम संख्या का प्रारूप जो होता है 2n-1 होता है और n जो है कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है। यदि हम इस फॉर्म में अगर n बैठाएं और n के जगह पर 1 रखें तो इसका आंसर 1 आएगा, अगर 2 रखते हैं तो 3 आएगा, 3 रखते हैं तो सभी की सभी संख्याएं क्या मिलेंगी, हमें विषम संख्या मिलेंगी। अब देखते हैं असहभाज्य संख्या या सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स, जिन 2 प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्त यानी HCF 1 हो दोनों प्राकृत संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 2 और 3 का HCF अगर निकालें तो 1 होगा। इसी तरह से 2 और 5 का HCF 1, 3 और 4 का HCF 1। सभी जुड़ा अभाज्य संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं हो सकती है, लेकिन सभी सहअभाज्य संख्याएं जुड़ा अभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती है। जुड़ा अभाज्य संख्या को देख लेते हैं कि ये क्या है। वैसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो उसे जुड़ा अभाज्य संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए देख लें, 3 और 5 के बीच का अंतर 2 है, 5 और 7 के बीच का अंतर 2 है, 11 और 13 के बीच का अंतर 2 है, ये सभी जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएंगी। अब पूर्णांक संख्या देख लेते हैं। इंटीजर्स नंबर, प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान 0 और प्राकृत संख्याओं को सम्मिलित करने से जो समूह बना उसे पूर्णांक संख्या कहेंगे और इसे जेड द्वारा निरूपित किया जाता है जेड एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है गिनना और जेहल जिसका अर्थ होता है संख्या। परवेश संख्या रेशनल नंबर, ऐसी संख्या जिसे 2 पूर्णांकों को भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सके किंतु भिन्न के हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या कहलाती है। दूसरे शब्दों में देखें तो एक पूर्णांक को एक दूसरे पूर्णांक से 0 को छोड़कर भाग देने से बनी संख्या
परिमेय संख्या कहलाती है, जिसका रूप पी वाई क्यू होता है, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक संख्या है लेकिन क्यू जो है नॉट इज इक्वल टू जीरो है। परिमेय संख्या के समूह को क्यू द्वारा निरूपित किया जाता है, पी को अंश नोमिनेटर, क्यू को हर डिनोमिनेटर कहा जाता है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो होता है शांत होता है या अशांत अनावर्ती होता है। 9 को यदि 4 से हम भाग करें तो उसका आंसर 2.25 आता है और ये पूरा का पूरा कट जाता है, तो ये आपका शांत प्रसार हुआ। अगर यहीं पर यदि हम 5 को अगर 6 से भाग लगाएं तो इसका आंसर आपका 0.8333 आए बार बार आते जाएंगे, जो अशांत अनावर्ती है, जो संख्याएं हमेशा आती जाएंगी और शांत होने की नाम नहीं लेंगी। अपरिमेय संख्याओं इरेशनल नंबर्स, जिन संख्याओं को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, वह अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां पी और क्यू कोई पूर्णांक संख्या है तथा क्यू नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए, यानी क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, जैसे दशमलव के बाद कोई ना कोई संख्या आती जाएंगी और ये कटने का नाम नहीं लगा और ये संख्याओं का कोई क्रम भी नहीं होगा। अगर हम 2 का वर्गमूल निकालें तो इसका भी दशमलव प्रसार जो है अशांत अनावर्ती रहता है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या रियल नंबर्स, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स कहते हैं, अतः वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। ये रहा संख्या प्रतीक का परिचय, जिसे आपको आगे आने वाले एक्सरसाइज को बनाने में आसान होगा। तो एक हम डायग्राम से एक उसको रिविजन करने के तौर पर देखेंगे। समझने के लिए ये देखेंगे कि प्राकृत संख्या का रिंग जो है, जितने भी बड़े रिंग हैं उनके अंदर यह आ सकता है, लेकिन जो बड़े रिंग है वो छोटे रिंग के अंदर नहीं आ सकता है। जैसे सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या हो सकती है, बड़ा रिंग जो है किसी भी रिंग में समाहित नहीं होता है, यानी परिमेय संख्याएं न पूर्ण संख्या होंगी, न प्राकृत संख्या होंगी और न ही पूर्णांक संख्या होंगी। एक दूसरे डायग्राम से समझने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ हमने सभी संख्याओं के लिए अलग अलग ड्रम बनाकर रखा हुआ है, इसको एक घर मान लें। प्राकृत संख्या का ड्रम छोटा है, ये ड्रम जो है पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या के अंदर जाकर समाहित हो जाएगा। लेकिन यहीं देखें तो परिमेय संख्या का ड्रम जो है पूर्णांक संख्या में, न पूर्ण संख्या में और न ही प्राकृत संख्या में जाकर समाहित हो पाएगा। अतः प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। दूसरा देखें, पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या के बॉक्स में जाकर समाहित हो जाएगा, लेकिन प्राकृत संख्या में समाहित नहीं होगा। अतः इसका निष्कर्ष यह निकला कि प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। यहीं पर देखें पूर्णांक संख्या के बाद पूर्णांक संख्या का ड्रम जो है परिमेय संख्या में जाकर समृद्ध हो जाएगा, समाहित हो जाएगा, उसमें जाकर एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में समृद्ध नहीं होगा। अतः इसका निष्कर्ष यह निकला प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। आशा करता हूँ यह सेशन आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।